फतेहपुर जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर ये सुराजपुर का ठाकुर रसिक बालाजी मंदिर है। करीब 170 साल पहले ये मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र हुआ करता था, जो अब वीरान हो चुका है। ढोल नगाड़ों और घंटों की आवाज से जो मंदिर कभी गुंजायमान हुआ करता था, वो आज वीरान हो चुका है। अब यहाँ आने से भी लोग कतराते हैं। यहाँ पर अब लोगों का हुजूम नहीं, बंदरों चमगादड़ों का बसेरा हो चुका है। जो मेरे पीछे आप मंदिर देख रहे हैं, ये ठाकुर रसिक बिहारी बालाजी महाराज का है। इसे 1720 के आसपास बनवाया गया था, लेकिन जिस हिसाब से उस समय इसे बनवाया गया था, इसकी कारीगरी बेमिसाल थी। यहाँ घंटों, घड़ियालों या फिर आरती की अब गूंज नहीं सुनाई देती। यहाँ पर अब बंदर चमगादड़ों का बसेरा हो चुका है, जिनकी आवाजें इस मंदिर को चीरती हैं। कहते हैं इस मंदिर में कभी राधा कृष्ण की अष्टधातु की मूर्तियां स्थापित थी, जो अब नहीं है। कहा जाता है कि उन्हें चोर चोरी करके ले गए। फिलहाल यहां पर अभी पीतल की मूर्तियां हैं, लेकिन इस जर्जर मंदिर और खंडहर नुमा दीवारों से तैरती आवाजें लोगों को यहां आने से रोकती हैं। आप ये देख सकते हैं कि किस हिसाब से इसे बनाया गया था। ये जिस हिसाब से उस 1720 में बनवाया गया था, इसकी कारीगरी देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके बनने में कितना समय लगा होगा और किस हिसाब से इसे बनाया गया होगा। आसपास के लोग तो ये भी कहते हैं कि इस मंदिर पर अब भूतों का बसेरा हो चुका है। जो कभी भगवान का मंदिर था, आज वो भूतों का मंदिर बनकर रह गया है। मंदिर में पूजा पाठ नहीं होने से यहाँ बुरी आत्माओं का बसेरा हो चुका है। अगर इस मंदिर के इतिहास में जाएं तो भगवान राधा कृष्ण के इस मंदिर को 1750 के आसपास लाला जानकीनाथ ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। कहते हैं इस मंदिर के जीर्णोद्धार में उस समय तकरीबन 200 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इस मंदिर की साफ सफाई और देखरेख करने वाले सुरेंद्र कहते हैं इस मंदिर के निर्माण में 10 लगे, तब जाकर इस भव्य मंदिर का निर्माण हो पाया था। लेकिन आज ये सरकार की उपेक्षा से वीरान है। अब यहाँ राधा श्याम की धुन नहीं, कबूतर चमगादड़ जहरीले जानवरों की आवाजें सुनाई देती हैं। रात में इस मंदिर के आसपास भी लोग निकलने में घबराते हैं। ये मंदिर भगवान का मंदिर कम, भूतों का घर ज्यादा लगता है। आसपास के लोग यहाँ तक कहते हैं कि इस मंदिर से कई तरह की आवाजें निकलती हैं, जो मन को डराती हैं। ये मंदिर दशकों पहले सुराजपुर और फतेहपुर जिले की कुछ खास पवित्र धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों में से एक था। कहा जाता है कि इस मंदिर की अष्टधातु की मूर्ति को मीरा ने खुद स्थापित किया था, लेकिन सरकार और स्थानीय प्रशासन की अपेक्षा की वजह से यह हिस्टोरिकल मंदिर अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। हालांकि कुछ महीनों पहले फतेहपुर जिले के तत्कालीन DM रहे अंजनेय कुमार ने यहाँ का दौरा किया था और इस मंदिर के जीर्णोद्धार की बात की थी। हालांकि कुछ दिनों बाद ही अंजनेय कुमार का फतेहपुर से ट्रांसफर हो गया और ये मंदिर फिर वहीं पर आकर खड़ा हो गया जहां 100 साल पहले खड़ा था। इसके पहले यहां पर DM अंजनेय कुमार आ चुके हैं और इसके जीर्णोद्धार की बात भी कर चुके थे, लेकिन तय समय के पहले उनका ट्रांसफर हो गया और ये जिस हालत में था उससे भी बदतर हालत में पहुँच चुका है। अब मैं आपको दिखाऊं इसके अंदर कभी 1.5 क्विंटल की बताते हैं अष्टधातु की मूर्ति हुआ करती थी, जो आज चोरी हो चुकी है। सुराजपुर के आसपास के लोगों को आवाज है जिले के नए DM से। उन्हें उम्मीद है कि शायद अब जिले के नए DM इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाएंगे, ताकि दशकों पुरानी फतेहपुर की धरोहर अपने अतीत की तरफ देख सके। ये फतेहपुर का ऐसा मंदिर है जिसमें श्याम की मूर्ति को मीरा ने खुद स्थापित किया था, लेकिन ये मंदिर अब जर्जर हो चुका है, जो अब जीर्णोद्धार की राह देख रहा है। अब देखना होगा कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार आखिर कब तक हो पाता है, या फिर ये मंदिर ऐसे ही गर्त में मिलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।